ओके तो क्या तुमने डोरेमोन का पहला एपिसोड देखा है? देखो मैंने देखा है बट मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। देखो चिंता करने की बात नहीं है, मैंने भी ऑगी एंड द कॉकरोच का पहला एपिसोड नहीं देखा, लास्ट भी नहीं देखा, शिनचैन का पहला एपिसोड मैंने नहीं देखा, क्या पता तुमने देखा हो। तो हाँ भाई और बहनों, आज हम लोग यही करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे डोरेमोन शिनचैन सारे कार्टून एनिमेज का पहला और आखिरी एपिसोड। यस भाई, मेरे को लग रहा है मैं इतनी कार्टून वाली वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे, कार्टून ही कर देता हूँ अब कुछ। मेरे अंदर का बच्चा जाग रहा है यार, धीरे धीरे अभी जा रहा हूँ मम्मी से 10 रुपए मांगने यही करता था भाई बचपन में, फिर मम्मी पिटाई लगाती थी। नहीं है 10 रुपए मेरे पास भाई कार्टून वाली वीडियो के लिए, मैं पता नहीं एकदम एक्साइटेड सा रहता हूँ अंदर से यार। मेरे को वो दिन याद आते जब मैं ऐसा बेड पे उल्टा लेट के टीवी की तरफ बस देख रहा होता था, मतलब एक चैनल पे एड आया दूसरे चला लिया, दूसरे पे आया तीसरा चला लिया, दिन भर कार्टून चल रहे हैं बस। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ तुम्हारी लाइफ किसी की अभी ऐसी चल रही है तो चल रही होगी यार, अभी तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और काम क्या है तुम्हारे पास? हाँ लाइक करो अभी, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली चीज का मजा ही कुछ और होता है, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाना हो, आपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखना, या पहली बार जो साइकिल चलाया था उसे मुक्की खाकर गिरना, सब में बड़ा मजा आता है भाई। मेरे को स्टार्टिंग में साइकिल चलाने में डर लगता था यार, वो साइकिल के बीच में डंडी नहीं होती है, मैं उस पे बैठ के चलाता था, मेरे तरह दर्द होता था भाई सही में घंटों घंटों चलाने के बाद, मतलब ये बताने वाली बात नहीं थी बट होता था यार। ओके तो चलो यार अब हम अपने प्यारे दुलारे बागड़ बिल्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो ऑगी के फर्स्ट एपिसोड को फ्रांस 3 के फ्रेंच चैनल पर 6 सितंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। पता नहीं भाई ये सारे फेमस कार्टून्स का फर्स्ट एपिसोड का खाने से क्या रिलेशन होता है। तो इस एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि ऑगी आराम से अपने घर में चिल कर रहा होता है, तभी उसके पास एक डिलीवरी आती है जिसे जब ऑगी खोलता है तो पाता है कि ये तो उसी ब्रांड का चॉकलेट है जो कि कॉकरोचेस उसे हमेशा बनाते रहते हैं, यानी कि बकरा ब्रांड चॉकलेट। जैसे ही ऑगी अपनी पूरी तैयारी के साथ चॉकलेट खाने के लिए बैठता है तभी वहाँ पर टपक पड़ते हैं कॉकरोचेस एंड वो ऑगी की चॉकलेट लेकर भाग पड़ते हैं। पर यार ऑगी भी अपने घर की और पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सीढ़ियों का फायदा उठाकर किसी तरह कॉकरोचेस से चॉकलेट लेकर उसे संडास में खाने के लिए चला जाता है। मे भी शायद सोच रहा होगा कि इतनी सारे चॉकलेट्स हैं एंड उसका पेट तो छोटा सा है तो क्यों ना इन एंड आउट की प्रक्रिया एक साथ ही कर ली जाए। अरे यार जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कॉकरोचेस भी बड़े लंपट हैं, वो किसी तरह स्कूबा डाइविंग करके भी ऑगी की बैंड बजाकर उसे चॉकलेट्स ले ही लेते हैं। अब फाइनली सो में एंट्री होती है दुनिया के पापा यानी जैकी। ये मैं पापा हूँ भाई, तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। आइए भाई, जैक भी कॉकरोचेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अपने मुंह का ढक्कन बनाकर और अपनी नाक कटवा कर दूसरे तरीकों से कॉकरोचेस का बैंड बजाने का ट्राई करता है। बट एज वी नो इन दोनों गधों बिल्लो को ये कॉकरोचेस एकदम मस्त तरीके से पेल कर इनके सारे चॉकलेट्स भी खा जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे यार अभी ऑगी का सीजन 8 भी आ चुका है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस खत्म हो गया भाई? व्हाट, लाइक फर्स्ट एपिसोड जैसा कुछ था नहीं इसमें, लाइक मुझे जानना था कि कॉकरोच कहाँ से आए, ऑगी कहाँ से आया, ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं है। शिनचैन तो चलो यार फाइनली बात कर लेते हैं उस एनिमे की जो कि सिर्फ बच्चों के बीच में ही नहीं बल्कि बड़ों के बीच में भी काफी बड़ा पॉपुलर है। का तो वेट कर रहा था मैं। जैसे इतने लग्जरी ब्रांड्स भी शिनचैन में दिखाए गए कपड़ों को कॉपी करने में लगे हैं। मतलब भाई गुची ने तो यहाँ प्रिंसिपल सर के कोट को सीधा कॉपी पेस्ट ही कर दिया है। भाई मुझे लग रहा है तुम कुछ भूल रहे हो। मैं भूल रहा हूँ, अरे हाँ गाइस अगर शिनचैन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो उसका फर्स्ट एवर एपिसोड 13th अप्रैल 1992 को आया था जिसमें शिनचैन अब से भी कहीं ज्यादा क्यूट लगता है। फिर बेसिकली हम इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि शिनचैन जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाता है तो वो बेचारा सामान के नामों को भी नोट नहीं कर पाता है। ठीक है, अरे तुम बाएं हाथ से कब से लेने लगे? भाई क्यूट तो लग रहा है यार, तुम देखो पहले वाले शिनचैन थोड़ा ज्यादा गोल है, प्यारा है भाई। मेरे को शिनचैन की मम्मी भी अच्छी लग रही है, मतलब क्यूट है ऐसे, मतलब वैसे नहीं। ओके हाँ भाई शिनचैन की इन शरारतों की वजह से जब वो मार्केट भी जाता है तो मसाई का काम बनाने की जगह और बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से एट लास्ट मसाई को ही हैरी के क्लाइंट के लिए शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एंड भाई मजे की बात तो ये होती है कि उस दिन एट लास्ट हैरी का क्लाइंट आता भी नहीं है। वाओ क्या बोलूं मैं इस पे, वाओ क्या बोलूं क्या मैं, वाओ मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
ओके तो यार अब अगर सिंचन की लास्ट एपिसोड के बारे में बात किया जाए तो भाई आपने इधर उधर या फिर कहीं से भी सिंचन की वो रियल डेथ स्टोरी के बारे में तो जान ही लिया होगा, बट भाई सिर्फ ये एक झूठी थ्योरी ही है जिसका की प्रूफ आपको कई बार सिंचन की मूवीज में भी मिलता रहता है। जैसे कि सिंचन की 2013 की मूवी विलन एंड दुल्हन में हमें सिंचन एंड हिमावरी दोनों के ही फ्यूचर को अच्छे से दिखाया गया है। हाँ जानता हूँ उसमें सिंचन का फेस नहीं दिखाया गया था, बट भाई फिर भी कम से कम ये तो बता दिया गया था सिंचन एंड हिमावरी बच्चे से बड़े हो जाते हैं। भाई सिंचन की एंडिंग मुझे देखनी है, ये तो बता ही नहीं सही से। मैं शिनचैन की एंडिंग देख के आऊंगा क्योंकि मेरे को वीडियो मिल गई है शिनचैन कैसे मरा था। व्हाट? हेलो भाइयों, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है शिनचैन एक असली इंसान पर आधारित है? क्या आपको भी ये पिक्चर याद है? अगर हाँ तो आप गलत हो, लेकिन आपका सिंचन से परिचय करवाने से पहले मैं बता दूं कि शायद इस सिंचन की कहानी आपकी आंखों में ना थमने वाले आंसू ला देगी, क्योंकि इस सिंचन की मौत बचपन में हो गई थी। हाँ, मुझे भी इसी तरह का शौक लगा था। तो क्या इसी दर्द भरी कहानी के चलते सिंचन कार्टून के लास्ट एपिसोड में आज तक मेकर्स ने बताया ही नहीं है आखिर कैसे हुई थी सिंचन की मौत? वेल, चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे आज के वीडियो टाइटल असली सिंचन की रुला देने वाली कहानी। ओके, सो यही एंडिंग होगी अगर एक्चुअल में वो रियल लाइफ में सिंचन था तो। हाँ, इससे हमें पता लग जाएगा। कहते हैं एक बच्चे को खोने का दर्द जितना उसकी माँ को होता है शायद ही इस धरती पर किसी और को होता हो। और ऐसे ही एक दर्द से गुजरना पड़ा मिसाई नोहारा को जब उन्होंने अपने बच्चे सिंचन को खोया, जिसके बाद अपने बेटे के लिए सजाया हर एक सपना उनकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, जिसने उन्हें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अपने इसी टूटे हुए सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की जिसमें उन्होंने एक एक करके अपने बीते हुए जिंदगी के खूबसूरत पलों और लम्हों को फिर से जीना शुरू कर दिया, जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को ढाला जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों की शुरुआत की थी, जिसके आने से उनकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं सिंचन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे। अगर हम इनकी पिछली जिंदगी पर नजर डालें तो इनका बचपन जापान के अकीटा में बीता था, जहाँ से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर जॉब की तलाश में कसुकाबे पहुँचे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात हुई अपनी बेहतरीन बेटर हाफ से। जी हाँ, मैं सिंचन की मॉम मिसाई कोयामा की बात कर रहा हूँ। भाई देखो, मैंने ना सिंचन ज्यादा नहीं देखा हुआ है, मैंने ज्यादा देखा है डोरेमोन। तो मेरे को डोरेमोन वाली लास्ट एंडिंग ज्यादा फील हुई थी, बट ठीक है, मिसाई कोयामा की बात कर रहा हूँ। अब जैसा कि हमने सिंचन कार्टून शो में भी देखा है, हिरोशी फ्लर्टी मिजाज के इंसान थे, पर मिसाई से मिलने के बाद जैसा उन्हें महसूस हुआ वैसा आज तक किसी से भी मिलकर नहीं हुआ था। इसीलिए जब उन्होंने मिसाई को देखा तब पहली नजर में ही वो उनके दिल में उतर गई। और जिस मिसाई को देख हिरोशी का ये हाल, मुझे एंडिंग बताओ ठीक है, ये लव स्टोरी नहीं जाननी मुझे। और जिस मिसाई को देख हिरोशी का ये हाल हुआ वो योशीजी कोयामा की बेटी थी, जो कैसुकाबे आने से पहले कुमामोटो में रहती थी। अगर हम उनके नेचर पर नजर डालें तो सिंचन कार्टून शो की तरह मिसाई रियल लाइफ में भी काफी केयरिंग और लविंग थी, साथ ही उन्हें शॉपिंग करने का भी काफी शौक था। हालांकि शॉपिंग करने के साथ मतलब ऑब्वियसली अगर उसकी वो बनी है तो वैसी ही होगी वो रियल लाइफ में। पैसों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये भी वो बखूबी जानती थी, लेकिन अगर वो कुछ नहीं जानती थी तो वो ये था किसी चीज को डेडिकेटेडली कैसे करना है। तभी तो शो में भी उनका एक दिन डाइट प्लान होता था और दूसरे ही दिन प्लान चेंज। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तो उनकी सुई हिरोशी पर ही अटक गई और उनके जीवन में ये कभी उनके डाइट प्लान की तरह नहीं बदले, जिसके चलते दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला लिया। हालांकि बढ़ते समय के साथ उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसे पार करते दोनों एक साथ जिंदगी के सफर में बढ़ते चले गए। इसी बदलते समय के साथ इन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नन्ना मुन्ना मेहमान आया जिसने हिरोशी और मिसाई के छोटे से बाग को गुलशन कर दिया, और ये नन्ना मुन्ना था हमारा प्यारा सिंचन, जिसे पाकर हिरोशी और मिसाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके चलते अपने माँ बाप के प्यार दुलार के साथ सिंचन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह जॉब पर जाने और मिसाई के घर के कामों में बिजी रहने से सिंचन को एक अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन सिंचन को कहाँ पता था कि जल्दी उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था जो उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशियों से भरने वाला था, जिसे किसी और ने नहीं पर बिल्कुल सिंचन के शो में दिखाए गए प्यारे से डॉग शीरो ने भरा। और ये तब हुआ जब एक दिन सिंचन को शीरो एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला
और उसके जिद करने के कारण हिरोशी और मिसाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता बन गया। भाई मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, भाई सबके मान जा रहे हैं। लेकिन शायद नोहारा परिवार की खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे, क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना प्यार करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था, और जब कभी मिसाई और हिरोशी बाहर जाते तो शिनचैन और हेमावारी को घर में ही छोड़ जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब हिरोशी को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद मिसाई बच्चों के लिए खाना बनाने गई तो उसे याद आया कि वो एक जरूरी सामान लाना भूली गई थी। इसी के कारण अब उसे फिर मार्केट जाना था, तो वो बाकी दिनों की तरह बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाने के लिए निकली। पर उस दिन बाहर मौसम बहुत खराब हो गया था, जिसके कारण उसे बच्चों को घर पर छोड़ना गवारा नहीं था, इसलिए मिसाई बच्चों को अपने साथ ही ले गई। पर उन्हें कहां पता था कि जिस अंधेरी रात से वो अपने बच्चों को बचाने की सोच रही थी, वही आज हमेशा के लिए उनके बच्चों को निगलने वाली थी। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए सामान लेने मॉल पहुंची, तब वो शॉपिंग में बिजी थी। इतने में हेमावारी बाहर रोड की ओर चली गई थी, जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं गया। पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हेमावारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इतने में एक ट्रक दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचलकर गुजर गया और चारों तरफ की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। लोगों का जमावड़ा घिर गया था। जब मिसाई वहां हुए हादसे को देखने पहुंची तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिन बच्चों को उसने अपने पलकों तले हर मुसीबत से बचाकर रखा, आज वही बच्चे बेजान जमीन पर पड़े हुए थे और वो हालात के हाथों बेबस बनी कठपुतली की तरह कुछ नहीं कर पाई। अब आप जरा सोचिए, जिस माता पिता ने इतने दुलार के साथ अपने बच्चों को पाला था, जब उसके मरने की खबर उनके पास पहुंची होगी तो उन पर क्या बीत रही होगी। जिस पिता ने अपने बेटे के बढ़ते कदमों के साथ हजारों सपने संजोए थे, उसी की मौत की खबर जब उनके कानों में पड़ी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उनकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। और इस दुर्घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके कारण हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन एक बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी, जिसके कारण हर बीतते दिन के साथ मिसाई की आंखों के सामने शिनचैन का खिलखिलाता हुआ चेहरा और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। और फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे मिसाई ने स्केच बनाकर अपने बच्चों की यादों में गुम हो गई थी, जिसे देख शायद भगवान को भी दया आ गई और इस माँ के दुख को पूरी दुनिया को बताने के लिए पूरे 10 साल बाद योशितो उसोई को मिसाई के पास भेज दिया, जो एक महंगा आर्टिस्ट थे। और मिसाई के इस दर्द भरी कहानी को सुन योशितो ने फैसला किया क्रेयॉन शिनचैन कार्टून बनाने का, जिसे सबसे पहले जापानीज वीकली मैगजीन में फुटाबाशा पब्लिशर द्वारा 1990 में पब्लिश किया गया। पर जिस शिनचैन की कहानी इतनी दर्द भरी है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ भी था? शायद नहीं, क्योंकि शिनचैन के पब्लिशर कंपनी फत्सुबाशा के एडिटर का यही कहना है कि शिनचैन के कॉमिक बनने से पहले उसके राइटर योशितो उसोई ने ड्रैकुला स्टोरी नाम का एक कॉमिक लिखा था, जो रियलिटी में एक असली व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी पर बेस्ड था। और इसी कॉमिक के लीड कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर उसके राइटर और कॉमिक्स के पब्लिशर ने ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग मुझे जन्म दिया, जिसके पीछे का कारण यही था कि उन दोनों को शिनचैन की कॉमिक्स से जापान और दुनिया को नॉर्मल जापानीज घरों की एक झलक दिखानी थी। सो आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है अपना? सो ये सच है या नहीं है वो भी क्लियर नहीं है, मतलब मैंने पूरी स्टोरी देख ली उसकी एंड इट इज नॉट क्लियर कि ये सच है या नहीं है। बट भाई अगर ऐसा होगा, मेरे को लिटरली लास्ट में गूज़बम्स आए हैं, लाइक फर्स्ट शिनचैन और हिमावारी के मरने पे एंड सेकंड मिसाई को उसके पति ने भी छोड़ दिया। भाई लाइक This is the worst that can happen after the worst that has already been happened. भाई, मेरे को पता नहीं मैंने इतनी इंग्लिश कैसे बोली, but ओ यार डोरेमोन, अब गाइस फाइनली चलिए अब हम बात कर लेते हैं best. उस एनिमी की जिसके बिना बचपन में हमारा ये डोरेमोन। गाइस पता नहीं आज तक इस एनिमे ने कितने ही बच्चों को अपने अद्भुत गैजेट से एंटरटेन किया है। फ्रेंड्स आप लोग यकीन करो या ना करो, बट जिस हिसाब से इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड को लॉन्च किया गया था, उस हिसाब से पता नहीं शायद आज आपके पापा भी इसके फैन होंगे। भाई मैंने देखा हुआ है फर्स्ट एपिसोड, तुम लोग देखो बस साथ में। कि गाइस आप मानो या ना मानो, बट इस लेजेंड एनिमे का फर्स्ट एपिसोड 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था, जिसमें हमें डोरेमोन और नोबिता का फर्स्ट मीटअप को दिखाया गया था। अब इस एपिसोड में होता यूं है कि हर बार की तरह नोबिता
पिता पिट पिटा कर मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठा रहता है। तभी अचानक उसके टेबल से टाइम मशीन के हेल्प से एक फ्यूचर का बच्चा आता है जो कि उसी का पोता शिवासी नोबी होता है। शिवासी नोबिता को बताता है कि कैसे वो और उसकी फ्यूचर फैमिली को नोबिता के लेजीनेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसी के सॉल्यूशन के रूप में वो डोरेमोन को नोबिता को गिफ्ट कर देता है ताकि नोबिता उसकी हेल्प लेकर एक एक्टिव स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन बन सके। तो गाइस बस यहीं से होती है डोरेमोन एंड नोबिता की फ्रेंडशिप की शुरुआत। लाइक मैंने जो एपिसोड देखा था वो थोड़ा और वैसा था, लाइक उसमें शिवाशी आता है मतलब डोरेमोन को देने, बट पहले नोबिता मना कर देता है कि चला जा तू यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि डोरेमोन नोबिता को बता देता है कि उसकी शादी उससे होने वाली है, जैको से। लेकिन नोबिता चाहता था कि मेरी शादी हो शिज़ुका से, तो फिर वो डोरेमोन को बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, है कहाँ की बातें कर रहा है, तो वो उसकी बात मानता ही नहीं है और उसको भगा देता है। बट फिर डोरेमोन एक भविष्यवाणी करता है लाइक इसी चीज को प्रूफ कराने के लिए कि वो फ्यूचर से आया हुआ है, कि उसकी टक्कर आज रात से पहले एक ट्रक से होगी। तो फिर नोबिता डर जाता है एंड फिर वो इधर उधर भागता रहता है बचने के लिए, लेकिन एट लास्ट उसकी हो ही जाती है ट्रक से टक्कर, लेकिन वो ट्रक ऐसा खिलौना था बच्चों वाला। तो हाँ लाइक मुझे नहीं पता एग्जैक्टली थोड़ा इधर उधर हो सकता है स्टोरी में, बट जितना मुझे याद है मैंने तो बता दिया है। और देखो तुम्हें डोरेमोन की एंडिंग देखनी है तो एंडिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, तुम सर्च करो यूट्यूब पे डोरेमोन एंडिंग एंड्रियो बी ऐसे करके आ जाएगी, मतलब इस वीडियो के बाद करना। ओके सो अभी हम लोग देखते हैं मिस्टर बीन का लास्ट एपिसोड। तो मिस्टर बीन का लास्ट एपिसोड जिसका नाम ट्रॉफी बीन था, उसका ये क्लिप देखना पड़ेगा जिसमें उसे अपने लैंडलेडी मिसेस विकेट के नेफ्यू की बेबी सिटिंग करनी होती है। उस बच्चे ने दो टिकट्स जीते थे आउटवर्ड बाउंड के और उसके साथ मिस्टर बीन को जाना पड़ा था क्योंकि लैंडलेडी मना कर देती है जाने से। वहाँ पहुँचते ही मिस्टर बीन और उस बच्चे के बीच कंपटीशन होने लगता है ट्रॉफी जीतने के लिए। दोनों वहाँ बहुत से एडवेंचरस गेम खेलते हैं और सभी में मिस्टर बीन आगे रहता है। कम ऑन, एक बच्चे से कंपटीशन करोगे तो जीतोगे ही ना। पर फिर भी एपिसोड के अंत में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक स्टंट में मिस्टर बीन फंस जाता है जिससे निकलने में मिसेज विकेट का नेफ्यू उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो वहाँ एक कंडीशन रखता है कि वो हेल्प तभी करेगा जब उसे प्राइज में ट्रॉफी मिलेगी जो कि सिचुएशन का एडवांटेज लेने जैसा था, लेकिन ऐसा ही होता है और नेफ्यू उसकी हेल्प करके गेम जीत जाता है। ये देख मुझे एक ही चीज याद आती है, कभी कभी बच्चे कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं जैसे उस बच्चे ने दिमाग लगाया, बिल्कुल वैसे ही टाइगर एस्पेक्ट प्रोडक्शन ने भी, क्योंकि मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज टोटली बेस्ड था ब्रिटिश लाइव एक्शन सीरीज मिस्टर बीन पे, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स भी सेम रखे गए। याप, 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 ये सही है भाई, पर लेकिन लास्ट एपिसोड यार थोड़ा और भयंकर बनाओ ना, अगर है ही लास्ट एपिसोड तो मुझे देखना है कोई मरता हुआ। डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड था मेरे आंसू आ गए थे भाई वो देख के, शिनचैन वाला भी था गूज़बम्स आ रहे थे मेरे को, बट भाई शिनचैन से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता मैं, बिकॉज मैंने इतना नहीं देखा, मतलब देखा है आई नो, मैंने फिर भी देखा है, मतलब जब सारे चैनल्स पे ऐड आ रहे होते थे मैं वही देखता था। मेरे को मेन कार्टून देखने होते थे भाई, बट मोस्टली मैं डोरेमोन ही देखता रहता था क्योंकि दो चैनल पे आता था, वो हंगामा और डिज्नी चैनल पे। तो हाँ, तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले कार्टून शो पर। नंबर वन, करेज द कॉवर्डली डॉग, रिमेम्बरेंस ऑफ करेज। भाई अगर तुमने करेज द कॉवर्डली डॉग देखा है तो मेरे जमाने के हो, फिर मेरे को नहीं पता अभी भी क्या बता आता हो, लेट्स सी। और परफेक्ट, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कार्टून देखा होगा, पर क्या आपने कभी भी करेज को हिम्मत वाला बनते इमेजिन किया है? अगर नहीं तो आपको इसके लास्ट वीडियो में शायद कुछ ऐसा दिख जाएगा। इस कार्टून में करेज को हमेशा डरपोक डॉग दिखाया गया था और वो कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर पाता था, लेकिन सभी सीरीज में से रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट और परफेक्ट वाली एपिसोड में जब करेज मिसिंग डॉग्स की लिस्ट में देखता है तो उसे उसके खोए हुए पेरेंट्स की याद आ जाती है जिन्हें उसने अपने बचपन में ही खो दिया था, वो भी एक पागल डॉक्टर की वजह से जो उसके माँ बाप को पकड़ के आउटर स्पेस में भेज देता है, और इस घटना को याद करके वो काफी अपसेट हो जाता है जिससे मेरुल को लगता है कि वो डिप्रेस है, इसीलिए वो उसे दुर्भाग्य से सेम डॉक्टर के पास ले जाती है जहां वो डॉक्टर उसके साथ भी वही करने की कोशिश करता है जो उसने उसके पेरेंट्स के साथ किया था, लेकिन करेज ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया और उस दिन उसमें अचानक से हिम्मत आ जाती है जिससे वो अपने साथ साथ मुरेल और यूस्टिस को भी बचा लेता है। ऐसा मैंने भी कभी सोचा ना था, पर चलो अच्छा है एटलीस्ट सीरीज खत्म होने तक करेज में करेज तो आई भाई। भाई करेज करेज बन गया भाई। ओके सो यही सब था आज की वीडियो के लिए, बहुत सारे कार्टून तो रह गए यार, बट आई फील शायद तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे वो, तुम लोग देखे हो तो मुझे बताओ, तुमने फिनिस एंड फर्ब देखा है या फिर हॉरिड हेनरी या फिर हड्डी मेरा बड्डी या फिर कितरेत्सु? तो देखा होगा कितरेत्सु, देखा होगा डेफिनेटली भाई, मुझे जानना है कितने लोगों ने देखा है, प्लीज मुझे बताओ अपने कार्टून की लिस्ट कि तुम्हें कौन कौन से कार्टून ऐसा याद है या फिर तुमने देखे हुए हैं, तो उसी हिसाब से इस वीडियो का अगला पार्ट बनाऊंगा मैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में मेन मेन कार्टून
कार्टून सी कवर की जो सबको पता होगा। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तुम्हें पता है क्या करना है, अब और नहीं बता सकता मैं जा रहा हूँ सोने, बाय।